टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। पंजाब पुलिस ने लीगल और फॉरेंसिक ऑफिसर सहित 600 से ज्यादा पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी। 7 सितंबर तक करें अप्लाई। नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अहम मुद्दों पर बात करेंगे। अशरफ गनी पर खजाने की चोरी का लगा आरोप। ताजिकिस्तान स्थित अफगान दूतावास ने इंटरपोल से की गिरफ्तारी की मांग। पेगासस कांड पर सुप्रीम कोर्ट से बोला केंद्र, हाँ हम मॉनिटरिंग करते हैं पर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बता सकते। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग में झुलसा बादाम। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पंजाब में ड्राई फ्रूट्स महंगे, बादाम गिरी और दाम 1000 रुपए प्रति किलो। तालिबान को कई जगह आम जनता का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। जलालाबाद में अफगानी झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान ने चलाई गोलियां। नकली कोविशील्ड को लेकर वू ने एडवाइजरी जारी की। भारत युगांडा में 2 ml और 5 ml की फर्जी सीसियां आई। AIMPLB के प्रवक्ता बोले, निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी, आपको सलाम। तालिबान की तारीफ करने वाले सपा सांसद पर केस। रूट की कप्तानी से वॉन नाखुश। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने कहा, पंत के लिए अटैकिंग फील्डिंग सेट की, बुमराह के लिए बाउंड्री पर फील्डर तैनात किए। कोहली ने बदले टीम इंडिया के तेवर। फिलहाल दुनिया का बेस्ट पेस अटैक, आंखों में आंखें डालकर स्लेजिंग का जवाब देते हैं भारतीय खिलाड़ी। यूपी विधानसभा में महंगाई, बाढ़ और आरक्षण पर हंगामा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा, सपाइयों ने मेरे घर आंदोलन करवाया, नेता विपक्ष का पलटवार। ऑपरेशन खुकरी एक ऐसा इतिहास जो दबाया गया था। जब 16 देशों की शांति सेना डाल दिए थे हथियार, तो हम भारतीयों ने लिया था आतंकियों से लोहा। चंबल में अब नकली सीमेंट अल्ट्राटेक, SEC, MyCEM, प्रिज्म, अंबुजा ब्रांड के नाम पर तैयार हो रही थी नकली सीमेंट, तभी अंचल में जरा से बहाव में टूट रहे पुल और नाले। अफगानिस्तान से लोगों की निकासी में बाधा नहीं बनेगा तालिबान। अमेरिका ने NSA बोले, सुरक्षित रास्ता देगा आतंकी समूह। अमेरिका में काबुल और साइगोन की चर्चा एक साथ, बाइडेन प्रशासन की हो रही है निंदा, चीन ने कसा गंज। पाकिस्तान में वीडियो बना रही युवती की पिटाई और कपड़े तक फाड़ने वाली हिंसक भीड़ में 400 लोगों पर मामला दर्ज। भारत अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के स्वरूप और तालिबान के रूप को सतर्कतापूर्वक भाप कर वार्ता या कूटनीतिक रिश्तों पर तय करेगा अपनी रणनीति। रिकॉर्ड हाई के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स दिन में ऊपरी स्तर 489 पॉइंट नीचे 55,629 पर बने। खेतों खलियानों में पहुंचा ड्रोन। ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे 10 संगठन। खेती किसानी से शोध में बनेगा मददगार। दूर दराज के इलाकों में ले जाएगा दवाएं। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच पीएम मोदी ने CCS बैठक की पर सरकार की रणनीति की समीक्षा की। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स।